चटकवाणी। श्रापित है वो जगह और वो पेड़ भी जहां मुंजिया की अस्थियां गड़ी। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। सर आज फूकने लगा है, बहुत अच्छी लगी है। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैं आई थिंक सो थ्री फिल्म मेकर्स ने बनाया है, मुझे इतना सोचना ही नहीं चाहिए था। बेंचमार्क लिटरली यहाँ पर था, लेकिन ये ऊपर चले गए। बहुत अच्छा गाना, आई लव द हॉरर, मतलब हॉरर था। लेकिन आई वाज स्क्रीचिंग माय नीज ऑफ कि ये मेरे साथ कोई बैठा क्यों नहीं हुआ है, मैं इसका बिल्कुल ही मुंह नहीं छोड़ लूंगी, इतना डर लग रहा था। लेकिन कॉमेडी बहुत अच्छी थी, पंच टाइमिंग तरन की बहुत ही बढ़िया है, आई लव दिस कैरेक्टर और इतना अच्छा काम किया है। आई जस्ट डिडंट नो के यू नो इतना बड़ा स्ट्रेच रोल होगा उसका, बट बहुत ही बढ़िया। आई लव द फिल्म। मूवी के अंदर दिखाया है कि जैसे लव स्टोरी के ऊपर है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं क्या जरूरी है ब्लैक मैजिक ही करके उसको पाया जाए? डेफिनेटली नॉट, बट ये मूवी का कॉन्टेक्स्ट था। वो भूत है यार, वो भूत कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंसान किसके होते हैं, भूत है वो, तो क्या लगता है इससे इंसान के सोच में कितना वो लगेगा कि हमें ब्लैक मैजिक ही करना? बिल्कुल, इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म कि हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, मैसेज भी है, तो इट्स अ फैमिली पिक्चर। कोई गुल्लू गुल्लू कुछ चुमाचाटी नहीं है, इट्स अ बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है डूड। मैं एक और बार देखने वाली लोगों को एक मैसेज जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब दिखाया है कि प्यार का एक वर्ड है, तो प्यार करते हैं तो हम ब्लैक मैजिक प्यार को लेके, वो आशिकी वो पागलपन वो तो जाएगा ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो कितने स्टार देंगे? कितने स्टार? चार। मैं चार। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छी मूवी लगी है और बांधे रखा है मूवी ने, बहुत अच्छी है। तो ये तो कहानी है, लेकिन हाँ ये है कि आज की डेट में थोड़ा सा इन चीजों पे बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन एक मनोरंजन के तौर पे देखा जाए तो अच्छी कहानी है। ठीक है, नहीं ब्लैक मैजिक का ऐसा कुछ नहीं है, एक थोड़ी सी पुरानी एक स्टोरी मैंने बताया ना कि जैसे स्टोरी हुआ करती है उसी के ऊपर एक दंत कथा कह लो या फिर एक भावनात्मक कहानी है, और कुछ नहीं। बिलीव करना तो बहुत यार मुश्किल है, लेकिन हाँ ठीक है, मनोरंजन के लिए ठीक है, अच्छी मूवी। मूवी ठीक सही ठीक ही ठाक कह सकते हैं। कॉमेडी और हॉरर? कॉमेडी है, बट जितना ट्रेलर में दिखाया गया था कि हॉरर एक मूवी है उतना नहीं है। तो जो लोगों को हॉरर से थोड़ा बेक ऑफ है ना कि हमें डर नहीं लगता, तो ठीक है ये लोग आ सकते हैं देखने के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे आजकल लोग प्यार के लिए ब्लैक मैजिक को करना जरूरी समझते हैं, क्या ये जरूरी मतलब है या गलत है? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा अपने प्यार के लिए इतना पागल था, जो शायद उसकी आत्मा भी परेशान थी, तो ब्लैक मैजिक वगैरह सब बेकार है। और कितने शागिर्द देख? 5 में से 3.5 करके गया था, मुझे उतना मिला नहीं, उससे बहुत ज्यादा मिला। मतलब कहते हैं ना कि मतलब हर मोड पे एक नया ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर। हॉरर उतनी नहीं है, लेकिन एक फैमिली के लिए बेस्ट मूवी होने वाली है इस बार के लिए। भाई कल की भूल जाओ, ये देखो। तो क्या लगता है कि जैसे ब्लैक मैजिक का दिखाया है कि हम प्यार करते हैं तो हमें वो चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या ये सही है या लोगों तक मैसेज क्या जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बात की जाए दिनेश विजन, उनकी जो डायरेक्टिंग होती है अलग लेवल की होती है, बेस्ट थी। कितने शायद 5 में से 4.5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस मूवी को आके देखो, आपको एक रिफ्रेशिंग कहते हैं ना कि एक मैक्सिमाइजिंग वो हो गए, क्या कहते हैं उसको, आपको आउटकम मिलेगा। सबर सर, सबर सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जामुन मीठे होंगे, खाओ।